पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन कस्बे के देवाशीष आश्रम में सातवीं नम्रता का सूर्य पूजन आयोजन शुरू हुआ। इस भीषण तपती गर्मी में भी साध्वी प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सूर्य देव की आराधना करती है। उनके इस अनोखे पूजन से स्थानीय लोग भक्ति का आनंद ले रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के पास में नसीमपुरा चौराहे में गुरुकुल आश्रम में यहाँ साध्वी जी नम्रता लगातार 5 बार यानी 5 साल हो गए सूर्य साधना करते हुए। गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौ हत्या बंद हो, इस विषय में लगातार 5 बार सूर्य साधना कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाएड़ा में कांग्रेस कार्यालय पर चुनावी माहौल बन चुका है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पूर्व विधायक उदयलाल अंजाना के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आपने उपस्थिति देकर पायलट साहब का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत तेज दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की ऐसी उपस्थिति ही हमारी ताकत है। कमेटी का अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग सवाई माधोपुर की जिला कार्यकारिणी में ब्लॉक कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें उक्त विभाग के प्रदेश संयोजक राजेंद्र जैन ने पिछड़े वर्ग के लोगों से अपनी ताकत को पहचानने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन जिला महामंत्री नानक राम सेन ने किया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आज बड़े हर्ष का विषय है कि जिला कार्यकारिणी की बैठक हमारे बीच में प्रदेश संयोजक महोदय दोनों जी चंदेल साहब और राजेंद्र सिंह ले रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ इतिहास, कांग्रेस इतिहास में पहली बार है कि ओबीसी का इस तरह का कोई सम्मेलन दिल्ली नेशनल स्तर पर हो रहा है, उसमें हमारे सवाई माधोपुर जिले से अच्छी भागीदारी होगी। दिल्ली में 11 तारीख को राहुल गांधी जी ने पूरे देश से ओबीसी के लोगों को बुलाया है और वो राहुल गांधी जी रूबरू होंगे ओबीसी के लोगों से। ओबीसी की जो भी समस्याएं हैं वो खुद सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। सवाईमाधोपुर जिले के मलाना डूंगर उपखंड में पानी और बिजली की समस्या को लेकर लोगों में फैला आक्रोश। सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने लगाया मुख्य मार्ग पर जाम। करीब आधे घंटे तक रोड जाम रहा और प्रशासन द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं है। आइए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। 15 दिनों से लाइट की समस्या चल रही है। कई बार जिला कलेक्टर, एक्शन, जयन, आईएन, एसडीएम, तहसीलदार सबको अवगत कराने के बाद भी लाइट की समस्या जस की तस बनी हुई है। लाइट मात्र 10 से 12 घंटे आ रही है। रमजान का महीना चल रहा है, लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। कभी रात को 12 बजे लाइट जाती है तो 2:30 बजे आती है, सुबह 2:30 बजे जाती है तो सुबह 5 बजे आती है। मतलब इतना हाल बेहाल है कि लोग पानी को, लाइट की समस्या के कारण लोगों को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसकी सामने आप नजर आए देखेंगे आप, ये महिलाएं पानी के लिए पिछले 8 दिन से परेशान है और कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब हम लोग परेशान हो गए, महिलाएं सब गांव वाले इकट्ठे हुए हैं तो हमें पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देंगे और हम गर्मी से और पानी से मर जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा। तो आप मुकदमा दर्ज कराने की हमें धमकी देते हो तो हम इसे आपकी धमकी से डरने वाले नहीं है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। अधिकारी आएगा, हमसे वार्तालाप करेगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे। हर वर्ष की बात ही, ये गर्मियों में रमजान आते हैं तो ये पानी की और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। रात के 10 बजे से लाइट गायब है मेरे मोहल्ले से, और एक क्या है बस ओनली फेस टूटा हुआ है। तो मतलब लाइन मैन की और ठेकेदार के आदमियों के अनबन के कारण मतलब वो तार नहीं जुड़ रहा है और ये प्रशासन बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। मैंने सुबह से ये एसडीएम साहब को फ़ोन करके अवगत करवाया लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। लाइन मैन को बता दिया गया है लेकिन कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिए लोग, ये जो महिला है रोडों पर निकल आई है और हम इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे और आज हमारा स्टार में होगा, भूख हड़ताल करेंगे हम। सवाईमाधोपुर जिले के मलाना डूंगर उपखंड में सरकारी नियमों की अवहेलना का एक मामला सामने आया है, जहां तकनीकी सहायक फीडर इंचार्ज को कार्य के प्रति लापरवाही के चलते 31 जून को निलंबित किया गया था, परंतु निलंबित कर्मचारी को सिर्फ 24 घंटे बाद ही बहाल कर दिया गया।
इस दौरान आरोपों की जांच भी नहीं की गई। स्थानीय लोगों को इसमें किसी राजनीतिक दबाव या अधिकारियों की मिलीभगत का अंदेशा है, जिसके चलते कार्मिक को बहाल कर दिया गया है। इसी प्रकार देश विदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए K2S न्यूज। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।